जब ये चुनाव चल रहा था तो यूथ कांग्रेस के एक किसी कार्यकर्ता से मेरी बात हुई, मिल गई थी। उन्होंने एक बहुत स्पष्ट कमाल की बात बताई कि जितनी मेहनत मैं एक वोट डलवाने में करता हूं, अगर कांग्रेस मुझे, यूथ कांग्रेस मुझे ग्राउंड पर वोट बनाने के लिए काम दे, तो मैं उतनी देर में 10-20 वोट बना सकता हूं, जितनी मेहनत एक वोट। तो एक इतना लंबा प्रोसेस, एक जो जटिल प्रक्रिया है यूथ कांग्रेस मैं के ये कह रहा चुनाव हूं, की, ऑनलाइन और चलाओ, अगर हुए हैं तत्काल रिजल्ट आना उस चाहिए। परिणाम को अगर रोका गया है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो नहीं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ 5 से 6 लाख वोट जो है वो खारिज हुए हैं। अभिषेक पूनिया जिनका जन्मदिन था, सचिन पायलट ने उनके जन्मदिन पे एक कारण भी बधाई है भी दी कि है। पायलट खेमे के जो विधायक है मुकेश भाकर, वो एक बड़ा दखल रखते हैं यूथ कांग्रेस में, जो ग्राउंड पर जो यूथ तो कांग्रेस चलती यहाँ यही है। लग रहा है कि यहाँ पे तो रिजल्ट सरकार को कहीं अपन ना कहीं इस चीज की, बिल्कुल और ठीक चुनाव से पहले अगर पायलट ग्रुप वहां पर कमबैक करता है तो ये एक सरकार के लिए बड़ा साख का सवाल होगा। और यहां तक खबरें ऐसी भी हैं कि बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे यूथ चुनाव में रहा है। बिल्कुल रहेगा। वो तो जी नई पॉलिटिक्स जो आ रही है तो वो तो हमेशा रहा ही है। खास करके आप ये देखिए, कॉलेज इलेक्शन 2004 के बाद नहीं हुए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन। फिर लिंगदोह समिति की सिफारिश आई 2010 से शुरू हुआ, तो उसमें ये साफ कहा गया कि कोई भी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति इन इलेक्शंस में प्रचार नहीं करे, लेकिन कर रहे हैं सारे। नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप इलेक्शन जो हुआ है आप उसे देख लीजिए ना, सरकार को किस तरह से यूथ कांग्रेस के जो पुराने पदाधिकारी थे, मुकेश बाकर का कैंडिडेट वहां पर जीत जाता है, एनएसयूआई का जो घोषित प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डर है सरकार में कि जो यूथ जनरेशन है। ये प्री बोर्ड है एक तरह का, आप जी। ये देखिए। एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, माली समाज लगातार आंदोलन रहता है आरक्षण की मांग को लेके, एक व्यक्ति की जान भी गई है, सुसाइड हाँ, नोट ये भी कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड, कथित तौर पे है, अभी तक ऑन रिकॉर्ड कई अधिकारियों वगैरह से बात हुई है तो नहीं आया। वो 1 करोड़ रुपए और परिजनों को नौकरी की मांग कर रहे हैं, और रिजर्वेशन 12% ये मांग रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि वो नेशनल हाईवे जो है आगरा वाला, उसे नहीं खोलेंगे तब तक। तो देखो अब ये बड़ा कुछ, धर्म संकट है अशोक गहलोत के सामने। हाँ बिल्कुल, उनके समाज का ही उनके खिलाफ विरोध है। जी हालांकि वो कहते रहे हैं कि समाज के वोट मुझे नहीं मिलते, मैं समाज से एकमात्र विधायक हूँ, उनका ये दावा है। अविनाश गहलोत हाँ वो जैसा बीजेपी में रहे। है, लेकिन वो ये कहते रहे हैं कि भी कांग्रेस में मतलब वो कास्टिज्म नहीं करते हैं अशोक गहलोत। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से एक प्रशासक के तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। कल कांग्रेस एक महंगाई राहत कैंप की हमने चर्चा की, काला डेरा में मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, और जो पूर्व विधायक हैं और जो प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रुक्मणी कुमारी, गजब की तनातनी हुई। तो ये भी एक अलग तरह हाँ का आउटपुट है महंगाई राहत कैंप का। बिल्कुल, ऐसे कई तरह के आ रहे हैं। मदन दिलावर का आया, उसके अलावा कुछ ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे लोग एक याचक की भूमिका में हैं, अधिकारी सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मेवाड़ का आया जिसमें फोटो उतार रही हैं एक महिला वहाँ पे कि ये जनता का कैंप है ये। बड़ी बात ये भी देखने को मिली थी कि रुक्मणी कुमारी को अशोक गहलोत ने खुद मंच पर बुलाया, जब उन्होंने देखा कि रुक्मणी कुमारी मंच पर नहीं है और पूर्व विधायक पर इस तरह की बातों के आरोप। और रुक्मणी कुमारी एक यूथ फेस हैं कांग्रेस का, प्रोफेशनल कांग्रेस के हाँ अध्यक्ष हैं, हाँ बिल्कुल, शशि थरूर से शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रोफेशनल जी। कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी में अगर महिलाओं के साथ ये व्यवहार हो रहा है तो पार्टी किस ओर जाएगी नहीं, ये देख उन्होंने सकते। नाराजगी साफ जाहिर की, रुक्मणी कुमारी बिल्कुल, यूथ उनको वीडियो यंग वायरल लीडर हुआ हैं, है, यंग लीडर हैं, और तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने वीडियो वायरल हुआ है धज्जियां उड़ा उनका। दी पूर्व विधायक की, भगवान साहेब सैनी की, आपका क्या रहा कि खुद सीएम ने मुझे यहाँ बोलने के लिए इनवाइट चौमू किया। अलग तरह के माहौल के लिए फेमस रहा है, जी बीजेपी में प्रवक्ता रामलाल शर्मा वहां से हाँ विधायक हैं तो वो जी अलग माहौल विधानसभा में, तो हाँ वहां का एक स्वैग अलग है चौमू जो है ना। तो सैनी जो है वो उसी वर्ग से आते हैं जिससे सीएम आते हैं, और तो ये सारी चीजें आप अलग तरीके से देख नहीं, सकते। रुक्मणी कुमारी को लेकर भी तमाम तरह की बात है कि जिस तरह से गहलोत ने उनको बुलाया, अशोक गहलोत ने उनका कद कहीं अशोक ना गहलोत को कहीं। पता है कि वो सक्रिय हैं संगठन में उनकी, और वो लगातार हर एक कार्यक्रम में नजर आती रही हैं। ज्यादातर पायलट के जो ग्रुप हैं उनमें जब तक वो उनका प्रभाव था वो नजर आई। तो अशोक गहलोत अब हर उन उस व्यक्ति को साथ लेने की कोशिश, और वो हर कोशिश कर रहे हैं चौथी बार रिपीट करने के लिए, जो उनकी ओर से प्रयासों में कमी नहीं है। वो मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया को पहले दोष देते थे, अब वो मीडिया से अपील कर रहे हैं कि आप रिपीट करवाइए। तो ये चल रहा है राजस्थान में, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि महंगाई राहत में लोग इस भीषण गर्मी में जो परेशान हो रहे हैं, हर परिवार को वहां जाना ही है, टाइम पैसा खर्च करना ये वो, तो उससे कितना का आउटपुट निकल पाता है ये देखने वाली बात। क्योंकि कई लोगों से बात हुई तो वो बड़े आहत हैं कि आप
101वीं यूनिट होते ही पैसे कट जाएंगे और 100 यूनिट तो बहुत कम है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद जब दिल्ली में चुनाव प्रचार में गए थे 2020 में तो उन्होंने कहा हमारी सरकार आई है तो हम 300 यूनिट देंगे, है ना। और आप यहाँ अपने ही राज्य में जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं आप 100 यूनिट तक ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसमें इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो 300 यूनिट राजस्थान में करेगी और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग में जुटी हुई है कि किस तरह से हम राजस्थान को। और हाँ, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई आज एक बहुत अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि पीके ने ऑफिशियली अपने टीम को लॉन्च किया है, उन्होंने लिंक्स भेजने शुरू किए हैं, आईपैक जो उनका है तो उसमें उन्होंने यूथ से आवेदन मांगे हैं कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं राजस्थान में तो हमसे जुड़िए। तो इससे साफ है कि पीके अगेंस्ट अशोक गहलोत आए हैं जी। बदलाव शब्द जैसे ही आया है तो प्रशांत किशोर जहां गए वहां जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार बदलाव किया है और इस बार पीके राजस्थान आए हैं। तो बातें तो ऐसी भी चल रही है कि अशोक गहलोत से उनकी एक छोटी सी अदावत भी है, जब कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई थी, सोनिया गांधी से उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक बड़ा दस्तावेज है, तो पीके से जो डील कैंसिल करवाने का जो ठीकरा फूटा वो अशोक गहलोत पर फूटा, तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी अदावत भी पीके की अशोक गहलोत। अशोक गहलोत मैं बताऊं सर आपको, 2018 के इलेक्शन के समय में जब मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता था, राजस्थान का जो मारवाड़ एरिया है वहां पे कभी राजपूत जो जाति के विधायक या कांग्रेस में बड़े नेता हुआ करते थे, खेत सिंह राठौड़ थे, नरेंद्र सिंह भाटी, तो अब उनके बाद कौन हो, तो ये एक बड़ा वैक्यूम खड़ा होने लगा। खुशवीर सिंह जोजावर रहे हैं दो बार, तीसरी बार एमएलए हैं, उनके पिताजी भी पहले रहे हैं कांग्रेस में आए थे, वो छत्रप नहीं बन पाए खुशवीर सिंह, नहीं कुछ लोग ऐसे थे जिनको कह सकते हैं कि इस इलाके में राजपूत लीडर थे, तो ऐसी एक सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। 2018 में मानवेंद्र सिंह कांग्रेस जो है वो ज्वाइन करते हैं और मानवेंद्र सिंह जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो मानवेंद्र सिंह और राहुल गांधी का एक दोस्ताना रहा है। अशोक गहलोत खेमे को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि कोई भी ओवरपास करे तो ऐसा बता रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह को अब बिल्कुल साइडलाइन ठंडे, मानवेंद्र सिंह ओवरटेक कर रहे थे, बिल्कुल ओवरटेक नहीं, उनके रिलेशनशिप थे और उनको यहां से ज्वाइन नहीं करवाई गई थी ना सचिन पायलट ना अशोक गहलोत, उनकी ज्वाइनिंग वहां से हुई थी, तो वो राहुल गांधी को सीधा राहुल कह के बात करते हैं। तो अशोक गहलोत टीम की एक बड़ी भूमिका रही कि किस तरह से मानवेंद्र सिंह का पॉलिटिकल जो है वो एक सिमट के रख दिया जाए, उनको सैनिक कल्याण बोर्ड के मामलों में दिया गया है तो वो उसके मंत्री राजेंद्र गुड़ा है, उनका अपना एक अंदाज है, उनको पार्टी वार्टी से कोई वो लेना देना नहीं है, तो ये इनकी खासियत है ही कि यूथ अगर कोई आया तो फिर ये है कि लंबी पॉलिटिक्स आप या आने वाली जो पीढ़ी है उसके ये आड़ देंगे। पवन जितेंद्र सिंह को लेकर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, पवन जितेंद्र सिंह अपने सॉफ्ट और उस हिसाब से चलते हैं लेकिन गांधी परिवार से उनके जिस तरह के संबंध हैं वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हैं और उनकी बात सुनी जाती है, वो जो कहते हैं उसे। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, कांग्रेस में आप देखिए दिव्या मदेरणा एक फेस बन रही है, यूथ उनसे जुड़ रहे हैं तो ये आड़ उनके आगे भी है। आप देखिए मुकेश भाकर, मुकेश भाकर के खिलाफ तो कैंडिडेट खड़ा हुआ था बुर्डक जो पहले मंत्री रहे हैं उनका, तो ये सीधा तौर पे यूथ जो है उनकी एंट्री होते ही बुजुर्गों के राजनीति के लिए कहा जाता है कि जंगल के राज के अंदर जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापा मतलब देखा नहीं जाता, तो फिर उसका ये टारगेट रहता है कि कोई और वो मार्क करता है चीजें करता, तो ये पॉलिटिक्स में यही है, राजनीति का सिद्धांत है जी। तो पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की, कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।